विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेभर फिनिसर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईँकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईँको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढुवा 24 ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 98450 34771 र 98451 5750। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुञ्जाउने यो हो रेडियो सानले 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, आदरणीय श्रोता अभिन्द्र उरा सुनत बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ हम विशाल यादव और उरा लोगिन के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी। साथ में टेक सपोर्ट करत बानी अनूप यादव जी। आदरणीय श्रोता www.radiosanvinews.com करके संसार भर के साथ कार्यक्रम जनता के सवाल सुन सकत बानी और कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लोग के अंतर्वार्ता उरा सुनेनी। और कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ आज हमनी के साथ में भरतपुर के जसपा के सह इंचार्ज अजय निराला सर हमनी के साथ में बनी। सबसे पहले कार्यक्रम जनता के सवाल में स्वागत करे चाहे स्वागत बटे कार्यक्रम जनता के सवाल में अजय निराला सर। धन्यवाद अजय निराला सर। अभिन अपने लगन के पार्टी के अवस्था कैसे रहल बटे? हमनी के पार्टी के जनता समाज पार्टी के स्थिति ठीक बा अभिन, कोनो स्थिति लेकिन अभिन अपने लोगन के पार्टी में जौन एगो सरकार में जाए के भी बात हो रहा बाटे जौन साथे साथे बानी लगन रुआ लोगिन बीतल समय से। हमनी के जनता समाजवादी पार्टी सरकार में जाए से पहले हमनी के मेन हमनी के पहले बा संविधान संशोधन रेशम चौधरी के रिहाई की जब तक ले मांग पूरा ना हुई जब तक ले हमनी के सरकार में जाए के हमनी के सरकार में जाए के अभी उचित नहीं है ना जाए हमनी के पार्टी जी। रेशम चौधरी जी के बीतल समय से वहाँ के जब बंदी में राखल बटे और आज तक राउर पार्टी वहाँ के छुड़ावे के खातिर कहाँ कहाँ प्रयास कीलक? पहले तो ये मेन रेशम चौधरी के मुद्दा राजनीतिक मुद्दा रेशम चौधरी के राजनीतिक मुद्दा बल के आंदोलन में तो आंदोलन होला आंदोलन में तो वहाँ के रेशम चौधरी जी के झूठा मुद्दा लगा के एबरा वहाँ के दिल में डलने पड़ल। वो खास हो गए ठाव में क्षेत्रीय बाहुन अथवा पहाड़ी मूल के कोनो नेता रही तो वो मना पड़ी तो थारू के नेता भैल के चलते जेल में पड़ल बाको न्याय होता सरकार में सरकार आम माफी देवे के चाहिए देव तो पड़ी वहाँ का रिहा करे के पड़ी। अगर सरकार रिहा नहीं के करत तो राउर पार्टी क्या कर सकत बैठे? रिहा तो करही के पड़ी सरकार में जब तक ले हमनी के रिहा ना हुई जब तक ले कोनो पार्टी से सरकार में जाए के उचित ये तीन ना गई। अगर जब तक सरकार रुवा लोगिन के आदमी के जब भीतर रखले बाटे और सरकार उरा लोगिन के पार्टी के अगर रिहा नहीं के करत तो राउर पार्टी क्या कर सकत बाटे? रिहा तो कोनो हालत में ऐसे की वो राजनीतिक मुद्दा वो झूठा मुद्दा लगा के है बड़ा दिल में डाल बा उंगरा के वो मुद्दे ना वो आंदोलन के आंदोलन में तो आंदोलन होला ए है बड़ा प्रचंड 17,000 आदमी बड़ा बन के बैठल बड़न ए बड़ा झापा कांड में है केपी ओली भी उतना आदमी मार के है बड़ा प्रधानमंत्री बन के बैठल बन उन लोग का मुद्दा ना चले उन लोग का मुद्दा ना लगी ए बड़ा थारू के थारू भैया के चलते मुद्दा लगी मुद्दा ना लगे थे उनको जैसे भी रिहा करे जी। और जहाँ तक बात के लिए अभी हमने के देश की अवस्था डमाडोल बाटी
अभी के अवस्था में देखल है तो हमने के देश के जौन एगो अवस्था बाटे या पड़ोसी देश भारत के भी जौन अवस्था बाटे बहुत ज्यादा डामाडोल बाटे। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ ले बाटे सर, उसे मालूम बाटे। और ये कोरोना महामारी जौन बाटे बहुत भयानक बाटे और बहुत ज्यादा रफ्तार में बाटे। और ये कोरोना से बचे के खातिर विभिन्न पब्लिक लोग अपन अपन उपाय अपनैले बानी, लेकिन फिर भी सरकार ओर से लॉकडाउन भी घोषणा हो चुकल बाटे और लॉकडाउन भी परसा जिला में हो चुकल बाटे। लेकिन विभिन्न बीतल समय के बात के लिए, बीतल समय के लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा गरीब लोग भूखे मरनी तो कुछ गरीब लोग बैंक के ब्याज से मरनी, लेकिन फिर भी उहे बात आयल बाटे लॉकडाउन लागल बाटे। रउरा लोग इनके पार्टी के प्रदेश नंबर दू के बहुमत बाटे और बहुमत के हिसाब से रउरा लोग इनके पार्टी के मुख्यमंत्री जी बानी लाल बाबू राउत गद्दी जी। ते प्रदेश नंबर दू में जब उनकर भी परसा जिला हा और भी परसा जिला के भी बानी मुख्यमंत्री जी, जब परसा जिला से वहाँ के बानी तो ई बताई रउरा अजय सर, जब लॉकडाउन लागल बाटे तो आवे वाला दिन में हो सकत बाटे लॉकडाउन लंबिया भी सकत बाटे और अब ऊपर के निर्देशन अनुसार से अब लॉकडाउन का हुई कहा जाए, अब ऊपर के निर्देशन के हिसाब से अब लॉकडाउन हुई कह के, लेकिन फिर भी अगर लॉकडाउन लंबियात बाटे तो बैंक के ब्याज फिर भी बढ़ी और गरीब बैठल बानी बैंक के ब्याज बढ़त जाए दिन प्रतिदिन, तो बैंक के ब्याज के बारे में रउरा लोग इनके पार्टी के का सोच बाटे? पहले के एक वर्ष पहले के लॉकडाउन भेल, दू नंबर सरकार के पहले कृषि वाला जोन माफ भेल, जोन प्राइवेट जोन एती लोग बा ये लोग ना खैलक, जैसे कि वो पहले के लॉकडाउन में भी हमने पड़ल बानी सन, जैसे कि हमने के ब्याज भी वो वक्त में ब्याज ना छोड़लक, तर सरकार एक योजना लेके पड़ल, योजना पहले केंद्र सरकार ने पहले योजना एक ब्याज ब्याज का छूट कराव पड़ल, पहले राहत के वितरण के पहले राहत वितरण करे के पड़ल, एम सब कुछ करे के पड़ी, पहले के बंदी में राहत वितरण भयन स्थानीय से, वो वक्त में का बोल कि अपना वो में चीन के आदमी अपना पार्टी के जे आदमी रहे उकरा के सिर्फ वितरण भले वो वक्त में, लेकिन रउरा लोग सीधे कहत रहे न सर्वदलीय मीटिंग बैठा के ही राहत वितरण होत बाटे, रउरा लोग के आवाज रहे बीतल समय के, वो स्थानीय के रहे वो वक्त में जहाँ जसवा के पार्टी के जोन मेयर साहब रहा लोग लो स्थानीय जहाँ सर्वदलीय बैठक करा के वो लोग खेती करे, जहाँ कांग्रेस ये माने के बा वहाँ कोनो सर्वदलीय बैठक क के ना कोई लोग अपना से बैठ के नाम लिस्ट बना के बढ़ लोग वक्त में, लेकिन फिर भी कांग्रेस से माले लोग भी कहते रहे जब सर्वदलीय बैठक बैठल बानी सन, तो फिर जनता के मन में से आवाज कहाँ से आ गई जे जेकरा लगे राहत पुगे के चाहिए ओकरा लगे राहत ना पुगत रहे। बीतल समय में कांग्रेस एम आल भी ये बात बोल ले बटे अजय सर, जे हमनी भी सर्वदलीय मीटिंग बैठा के ही राहत वितरण कैले बानी सन बीतल समय के बात बटे, ना ना वो सब वितरण हुआ नहीं केवल वो लोग अपना कांग्रेस लोग जैसे बाकी कांग्रेस लोग बा कांग्रेस लोग जो अपना सिर्फ पार्टी के लीडर पार्टी के आदमी के खाली वोट भीतर बा जैसे ना बहुतरा माई में जाए बहुतरा माई नगर पालिका में बहुतरा माई नगर पालिका में उमा एगो गरीब दुखी के कोनो ना मिलल हुआ सब जौन कांग्रेस के सक्रिय कतर लोग उन लोग खाली वितरण हुआ भैल बा सब कुछ, लेकिन ई रुआ आरोपित कैसे ठहर जावत बानी कोनो तो प्रमाण तो ना हो रुआ लगे आ कि पूरा पब्लिक के रुआ प्रमाण दे सकत बानी। हम खुद रहनी हुई जन पहले के लॉकडाउन में विश्रामपुर रहनी बहुतरा माई नगर पालिका में जी, बहुद्रा माई नगर पालिका के तैसे ही हमारे लागे ला लिस्ट में बहुत अच्छा चल रहा है बहुद्रा माई नगर पालिका, शायद बहुद्रा माई नगर पालिका में जितना भी वार्ड बाटे एगो वार्ड वार्ड नंबर 7 में एगो फुलकवल भी गाँव पड़े ला रुआ से हम प्रश्न बतावत बने अजय सर, वो फुलकवल गाँव बहुद्रे माई नगर पालिका में पड़ला हमरा देखे से और हमरा पूरा कन्फर्म मालूम है काहे से हमनियो बहुद्रे माई नगर पालिका लिखे नहीं सन अपना गौवा के नौवा लिखे नहीं सन, तो बहुद्रा माई नगर पालिका लिखे नहीं सन तो के जान मेयर साहब के लगे बहुद्रा माई नगर पालिका हमनी के गाँव में लिखल बा कि ना, काहे कहत बानी बहुद्रा माई नगर पालिका वार्डा नंबर 7 में रहल फुलकवल गाँव के नाला के विकास इतना ना बेसी बाटे जे दिन प्रतिदिन हर पालिका में नाला के प्रगति होत बाटे, तो बहुद्रा माई नगर पालिका में रहल एगो फुलकवल गाँव बाटे ओमे नाला दिन प्रतिदिन अब लोग कंपटीशन से भरत बाटे। रउरा भी सर वार्डन नंबर 9 से रहल बानी बहुद्रा माई नगर पालिका के और बहुद्रा माई नगर पालिका की इतना अवस्था खराब बाटे, इतना अवस्था खराब बाटे जवना के हिसाब नहीं के,
पता लागेला मेयर साहब के नंबर लगभग हम बहुत प्रयास में बने जी आवेल एपिसोड के साथ में मेयर साहब के उपस्थित करावे के पता लागेला मेयर साहब जी तनका हमनी से भी तनका दूसरे हिसाब से बतियानी लेकिन एक बेर हम अपना से प्रयास करत बानी बात करे के मेयर साहब कैसन हमरा से बतियात बानी बीतल समय में तो बहुत लोग हमारा कहले बटे ना मेयर साहब तनका दूसरे हिसाब से बतियाम कह के हम कने एक बेर हमू तो बतियाई कैसन बतियातनी हमरा से तो जब तक हम ना बतियाम तब तक तो मेयर साहब पर आरोप ना लगा सकें लेकिन इतना हम जरूर आरोप लगाएं जब बहुद्रा माई नगर पालिका में रहल वार्ड नंबर 7 में टोल फुलकवल में रहल एगो फुलकवले गाँव बाटे वो फुलकवल गाँव में नाला दिन पर दिन ध्वस्त भइल जात बाटे और ही गाँव में सोलर भी लागल बहुद्रा माई नगर पालिका के बहुत गाँव में सोलर भी गई लेकिन फुलकवल में एगो सोलरों ना लागल के जानू फुलकवल गाँव मेयर साहब के है कि ना है इतना समझ नहीं आवत मेन अपने जैसन सोलर के बात कहनी है सोलर के बात कहेंगे बाकी वहाँ बहुद्रा माई नगर पालिका में सोलर जहाँ भी देखी केकरा द्वार पर लागल बा पार्टी के वो अपना कांग्रेस के पार्टी के घर के अगाड़ी सिर्फ लागल बा वो जनता के नहीं जनता खातिर नहीं लागल वो अपना नेता कार्यकर्ता लोग खातिर लगे बनल मेयर साहब के पुरजत कहाँ बा वो दिन रात जगह के किन बेच में रहत रहन कहा नगर पालिका में भेट मेयर साहब जी उखर रौरा लोगिन देखी रौरा लोगिन भी एगो पार्टीगत बानी और आम पब्लिक तो के सही के गलत बाटे आम पब्लिक तो जरूर सबके निचोड़ निकलने बानी एमें संदेह की बात नहीं कि अगर कोई के मन में घमंडी हो जावेला चुनाव फिर पैसा से हम जीत जाए कह के तो घमंड तो रावण के नहीं रहल तो हम रउआ तो इंसान बानी सन लेकिन आगामी दिन में पूरा पब्लिक से हम रिक्वेस्ट बाटे बहुद्रा माई पालिका के विशेष हम बहुद्रा माई नगर पालिका के पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करे के चाहें जे बहुद्रा माई नगर पालिका में जितना पब्लिक लोग बानी कृपया रउरा लोगिन पैसा पर ध्यान ना देते हुए अपना गांव ठाव में रउरा लोगिन कैसे बसेम अपना गांव में ए पर बेसी ध्यान केंद्रित करम लगन हम आवेल एपिसोड के साथ में जय सर बहुत प्रयास में बानी नितेंद्र सर के अंतर्वार्ता में ले आवे के या प्रवक्ता बानी वहाँ के अभिन जितेंद्र जी बहुद्रा माई नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष जी वहाँ के भी अधिकतम प्रयास में बानी अगर दोनों आदमी में कोई अगर तैयार हो जात बानी तो आवेल एपिसोड के साथ में वहाँ लोग हम जरूर अंतर्वार्ता में ले हम और का सही है का गलत है हम जरूर उन लोग से आवेल एपिसोड के साथ प्रश्न पारे लेकिन फिलहाल रउरा लोग इनके व्यक्तिगत जो बात बटे जसपा के वो बात हम रउरा से करे के चाहे का से एक दूसरा के टीका टिप्पणी कैल भी अच्छा बात ना बटे जहाँ तक बात कैला सर कोरोना दिन प्रतिदिन जो एगो बात रुआ के बीतल समय में अभी तुरंत ही प्रश्न रखनी है दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ल लत बाटे और साथ में जहाँ तक एगो बात कहनी है जो कृषि के बैंक के पैसा तो सरकारी बैंक के तहई तहु तो ठीक बा देखी हमनी के देहात में लोग से अगर जाकर हुआ पूछेम जो सरकारी बैंक से हुआ पैसा निकल ख कृषि विकास बैंक से तो था वो कथी का हम लोग देहात के लोग जो हमारे उतना सोरस नहीं थे उनमें से निकाले खातिर उनमें सोरस वाला लोग के निकले ला कह के देहात के लोग ऐसा जरूर आरोप लगा दे न तो आई रुआ हमारे साथ चली हम माइक लेकर चल दे पूरा देहात लोग के लगे देहात में जितना लोग बैठे हम चलते बानी और पूछे हम कृषि विकास बैंक से पैसा निकल खा तो सीधे उन्हें सवाद आई जो सोरस वाला आदमी लोग उनमें से पैसा निकाले ला बाकी लोग के पैसा ना निकले ला उनमें से तो रुआ लोग कृषि विकास बैंक के ही खाली पैसा माफ करे नहीं ठीक बाटे लेकिन साथे साथे प्राइवेट के भी तो पैसा रुआ लोग माफ करा सकत रही अब दू नंबर सरकार अब योजना वही रही कि अब कुछ प्राइवेट लोग के की दू नंबर सरकार की कुछ बोला के मुख्यमंत्री बानी वहाँ के प्रमुख बानी वहाँ लोग बोला के अब एक बार बैठ के छलफल करी लोग अभी कौन स्थिति का देखिए अब कितना दिन का अब एक हफ्ता का लॉकडाउन बा अभी इससे फिर लंबाई तो वो लोग तो फिर कुछ ना कुछ ये लोग तो योजना निकाले भी करी 3 नंबर प्रदेश में देखिए कोरोना से जिंदगी से सबका डर बा और कोरोना से के नहीं के डरात कोरोना से इतना ज्यादा पब्लिक डरा गेल बानी जौना का हद से देखिए बीतल समय में तनका मरे के संख्या कम रहे लेकिन अभिन के समय में देखिए मरे के संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई बानी कोरोना से लेकिन पब्लिक अब दोनों से डरात बानी करी तो का करी सरकार जी मेन सरकार के पहले योजना का करे थे कि पूरा नाका पहले नाका बंद करे थे पहले यदि बंद कैला से पहले नाका चारू ओर तैनात कर दी बंद कर दी तैनात कैला के बाद में उन्हें लोग जब भारत के लोग कुछ नेपाल में ना थी जब तक लोग कोनो यति नहीं है हमने के छिमकी देश का ए बड़ा बॉर्डर में जाई खेती खेती निकल जाता प्रशासन रहता के ऊपर रहता खेती खेती निकल जाता कम से कम टाइट बॉर्डर में हो कभी भी नेपाल में ना थी तो कोरोना सरे वाला ये नहीं है अब इंडिया का अभी फ्री ये थी बा वहां से लोग भीतर आ जाते नेपाल सर बढ़िया बात कहनी रहुआ
बॉर्डर बंद कर दी, बॉर्डर टाइट कर दी और ओने से आदमी के ने जन आवे दी। आज जो ट्रकवा निकल तो भानसारवा में से तो में खाली इंडियन ड्राइवर रहता लोग तो कोरोना ना पटाई लो वो लोग चेकअप पे थी रखे पड़ी चेकअप भइले के वो लोग चेकअप हर एक ठाव में चेक करके चेकअप भइले के पर काहे ना वो लोग चेक करे के चाहिए हर एक ठाव में वो लोग चेकअप करके ये पठाई गाड़ी ओकर बाद सब गुण गई। इस सब पर ध्यान केंद्रित करे के पड़ल और केंद्र में रखे पड़ी हर चीज पर ही स्थानीय निकाय पहल करो। विभिन्न वार्ड अध्यक्ष लोग लो कहेला लोग सारा सिंह दरबार हमनी के हाथे में जब आ गलो पूरा फुल पावर वाला व्यक्ति जब स्थानीय निकाय के विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लोग जब हो गिल बाटे तो पर भी लोग ध्यान केंद्रित करे के पड़ल स्थानीय राजनीतिक दल के नेता लोग के कैसन। लेकिन सर जहाँ तक बात कैल आगामी दिन में लॉकडाउन बढ़ भी सकता आ लोग ऐसे भी डरात बाटे जे अब कमात भी नहीं की तो बिहान भैया बैंक वाला लोग आके हमारा दुआर में ताला मारी लोग हमारा घर में से निकाल दिलो कह के हमारे घर लीलाम कर दिलो कह के ऐसा भी डरा था तो एने पुलिस भी रोकत बानी लोग तू बिरगज जन जा कह के तो पब्लिक अलमल में फंस गई बानी जाई तो जाई के अगर हम डिप्टी नहीं खी जात तो हमार ब्याज नहीं खे बुझत हमार बैंक के पैसा नहीं खे बुझत अगर हम घरे रहत बानी तो बैंक वाला बिहान आके सीधे हमारा के घर में ताला मार दियन तो एक प्रति प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री जी के तो पहल होके पड़ल सर रौरा पार्टी के बताई तो डिप्टी में जाए खातिर तो कम से कम डिप्टी के जब कारखाना में जाए के बाद ओकर तो कार्ड तो होई नहीं जरूर कार्ड होई कार्ड लगा के जाए के पड़ल। अब एक काम के गाड़ी में घूमल बाइक लेके घूमल तो ये नहीं है डिप्टी में जाए ओकरा बाद अपन कंपनी के कार्ड होई कार्ड लगा के जाई कौन ऐसा रोके और रोक टोक ना हो जैसे कि सरकार भी कहल बा कारखाना चलावे के मिली हरेक पूरा वहां जाए के अपन पास बना के लेके जाए के पड़े कार्ड अपन कार्ड बने लगा कौन रोक टोक नहीं बीच रास्ता में। लेकिन सब लोग कारखाने में नहीं की कमात बहुत लोग गिलुआ में भी कमानी बहुत लोग मसाला बनावे नहीं जो पकवान ठला ला रुआ तो मालूम बाटे नु रुआ देहात से बनी तो सब लोगों में कमानी तो उ लोग के थोड़े कार्ड मिल जाई वो लोग के जेकर ठेकेदार होई उ ठेकेदार बना के उ अपन बना के दे सकता उ तो ठीक बा ठीक बा ठेकेदार लोग बना देत बाटे लो तो फिर प्रहरी लोग मानी लो तब नु अब ठेकेदार बने तो काहे ना मानी लोग मनबे करी तब नि व्यवसाय संघ बना के जब व्यवसाय संघ जैसा व्यवसाय संघ होला वो व्यवसाय संघ के कार्ड बना के दिला पर काहे ना मानी लोग पुलिस प्रशासन मनबे करी चितवन में देखी यही सब लोग कमाता जाते बा कार्ड बना के संघ से। लेकिन मन में यहाँ भी डरवा अगर कार्ड भी मिल गए डिप्टी भी करे के मिल गए तो फिर एक और ही शंका हो गए जब हम बिरग जात बने तो बिहान भैया कोरोना हमारा भी पाट सकत बाटे जब हमारा एक हफ्ता के बंदी बा एक हफ्ता के कम से कम हर लोग सुरक्षित रहो अभी एक कम से कम सुरक्षित रहो कमैला से जिंदगी जब जान रही तो कमाई के बहुत बहुत कमाई सकता। लेकिन जब बैंक के ब्याज आ जाई तो जान रही रही प्राण निकल जाये सर सर ओकर तो समय जब ओकर बंद बा ओकर समय बैंक कुछ समय तो थब्बे करी आगामी दिन में बीतल समय के रुआ लिस्ट उठा के देखी जो बैंक के ब्याज से अभी कुछ गरीब लोग बिछड़नी जो आज तक सहूर नहीं है कुछ लोग के आज जे टिकल बानी कितना डमाडोल अवस्था से टिकल बानी शायद वहाँ के बात वहाँ के दिल से जाके पूछ ले समझ आई। लेकिन पूरा पब्लिक के मन में रहला ये बात जो हम राजनीतिक दल के नेता लोग के जितावत बानी अपना सुख के स्वार्थ के खातिर लेकिन पब्लिक के मन में ये रहला लेकिन नेताजी लोग ये पूरा ना करे सके नहीं लोग पूरा तो हमनी के जोन जोन पार्टी हमनी के जोन जोन दून नमस्त सरकार जोन जोन योजना ले गेल लिया बढ़ लोग योजना जोन भी लागू कैले बढ़ लोग लोग कह के देख ले अभी तक ले कौन ऐसा कहीं विफल नहीं खेल हमनी के दू नंबर प्रदेश सरकार के इो भी जैसा अब बैंक के ब्याज के बाद एक खातिर कौन योजना बनाई लोग मुख्यमंत्री जी वाला लोग मंत्री लोग बाढ़ लोग बना के कोनो ना कोनो आधार पर लियाई लोग ना लिए लेके बात नहीं के लियाई लोग लोग जवन जवन योजना राहुल पार्टी बनी लग तवन योजना बढ़िया से चलल जी। लेकिन ई बेटी बचाई बेटी पढ़ाई कहां तक संपन्न भेल सो अब इन तक चल रहल बा संपन्न है बा वो बढ़िया से संपन्न होत बटे जी सर। एगो और ही बीच में कथी नु मारि रहल अपने के बीमा आला बेटी हुई तो बीमा हो या कई बरस के बाद कई लाख रुपया मिली उ तो के अनु आवे ला पाँचे दिन में या दसे दिन में भोर पर आ जाइए पंद्रह दिन के बाद जब वार्डा अध्यक्ष वार्डा कार्यालय में तो वार्ड अध्यक्ष कथी कहें जो सिस्टम और आ गई कहाँ सिस्टम हो रहा है सिस्टम तो चलते बाबू वो सिस्टम चलता ठे पूरा पब्लिक रुवा जानकारी कराओ तुम्हें रेडियो के माध्यम से सिस्टम तो चलते बाबू। कितना दिन के भीतर में रहा लड़की के बीमा हो सकत बाटे
20 दिन कि 25 दिन भइँगे भाई, एक महिना भित्रमा हो एक्सटेन्ड बिमा के, एक महिना कि तिन महिना जी, एक महिना कि तिन एक महिना सायद जी। और रौरा भी कन्फर्म नहीं कि कहके जी, कन्फर्म हम चले अच्छा बाटे। अब रुवा लोगिन के दो बने त राजनीतिक दल के नेता बने, रुवा लोगिन भटक भी जाएं जी। और जहाँ तक बात की ला सर, हमनी के समाज में मुख्यमंत्री जी जब विभिन्न नीति चलावत बने रउरा पार्टी से बने मुख्यमंत्री जी, तो आगामी दिन में देखिए हमनी के अब सामने जौन एगो दहेज के बहुत बड़का ही मोमेंट बा, एगो गरीब होखे के कारण ही दहेज बाटे, और बहुत एगो बुझी हत्यारा बाटे दहेज, जौन गरीब के हमनी जौन एगो बेटी के जाने में यानी कि कोखे में मारित बनी सन जान से, और साथ में हमनी एगो गरीब के उजार भी देत बानी सन। तो एक प्रति हमनी के अपने लगन के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश नंबर दो के मुख्यमंत्री जी, अपन प्रदेश नंबर दो में दहेज हटावे के खातिर का प्रयास के आज तक जब वहाँ के नजर में लौकत बटे था। रौरा के बतावल है अजय सर, रौरा पार्टी के कुछ बढ़िया बढ़िया नेता लोग हम फोन कनी है दिन भर आज तो समझ ना आयल का जब फोन का है ना उठल का शायद अब कामना हिसाब से उन लोग फोन ना उठल का बढ़िया बढ़िया ये जो प्रश्न हम डायरेक्ट उन लोग से हम रख दी तो वो लोग बताए लो, तो बढ़िया बढ़िया नेता लोग रुआ पार्टी के हम फोन करनी है, कुछ लोग के बुखार लागल बा तो कुछ लोग के कुछ भइल बा तो कुछ लोग के फोन रिसीव नहीं हो कर, लेकिन रौरे बताई रौरा भी वो पार्टी से बानी तो वही से रौरा हमारा बताई हमारा के जे ये दहेज के मोमेंट के लेके रौर पार्टी क्या कर सकत बाटे आए वाला दिन में। पहले तो योजना था हमने के पार्टी के पहले अब पार्टी के हमार व्यक्तिगत के बात पहले कथी बा व्यक्तिगत के बात हम पार्टी से पहले पहले व्यक्तिगत बात कि पहले समाज में पहले जब तक ले दहेज के लेनी देनी जब तक ले ना हटी जब तक ले हमने के मदेश में कहीं लड़की लोग के एकदम जैसे दहेज के हटावे के पड़ी हुआ हरेक पहले योजना पहले कथी के बढ़ हरेक वार्ड वार्ड में स्थानीय स्थानीय में पहले ही लागू करे के पड़ी, लागू कैले के बाद में केहू के शादी होता ओकरा के घर में पहले टोली एगो राखी पहले लेनी देनी के होता कि नहीं के उमा लेनी ना लेनी देनी ओकरा अनुसार कार्रवाई के दायरा में ले जाए के पड़ी पहले एक नंबर में रहे के पड़ी। दूसरा में जब तक ले इंडिया नेपाल के हमनी के जौन संबंध होता इंडिया नेपाल में बेटी के जैसे इंडिया में हमने बिया होता जब उन्हें पैसा लेता लोग एने बिया होता है एने पैसा लेता लोग हटे के पड़ल पूरा हटे के पड़ल जैसे कि इससे बहुत लोग उजर गिल भाई बड़ा केहू मांगता बाइक तो केहू मांगता कार ये ना हटी जब तक ले हमने के मदेश में एकदम बाद में सही गारे स्थिति में तो ये हटाई के सर अब हटाई तो अब केंद्र सरकार लाए पड़ी प्रदेश सरकार भी हो गए स्थानीय सरकार भी तीन तरह के सरकार लागी तभी जाके हटी कोनो बात में ले जाके रौरा लोग केंद्र सरकार केंद्र सरकार करे नहीं, लेकिन प्रदेश नंबर दो के लोग रौरा लोग इनके वोट दिले बाटे और प्रदेश नंबर दो के लोग मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गदी जी के ही मुख्यमंत्री बनैले बाटे। तो प्रदेश नंबर दो के लोग मुख्यमंत्री जी से पूछी आगे के लोग से ना पूछी मुख्यमंत्री जी जवाब दे में कर पहले कहा बा कि सब अधिकार भी प्रदेश सरकार के नहीं मिलल तो नहीं मिलल तो छोड़ दिल ना पार्टी छोड़ दिल राजनामा छोड़ के आएल राजनामा दे के आए लगन जनता के राजनामा किंग अति करे पड़े जब तक ले जनता जब दे के पुगे ले बा खातिर तो लड़ाई होता केंद्र में देखत बढ़ले में लड़ाई तो होते बा केंद्र सरकार से जब जब रौरा लोग इनसे पूछल लाला तब तब ये बतिया कहे नहीं लगन जे हमनी के अधिकार नहीं खे मिल तो कोई कहता हमनी के स्थानीय में चार गो सरकार चलता एगो हमर सरकार अलग एगो उनकर सरकार अलग आ एगो CDO साहब के सरकार अलग चलता। जब रौरा लोग इनके बातें कोई नहीं खे मानत तो राजनामा दे दी लगन आ छोड़ दी लगन फिर जनता के साथ आई लगन फिर जनता रुआ उनके वोट दे के जिताएम आ फिर जाएम लगन। अब रउआ लोग बार बार कहम लगन हमनी के बात नहीं खे लोग मानत हमनी लोग के बात नहीं खे लोग मानत बात नहीं खे लोग मानत और पब्लिक ये बात सुनत रहम तो ऐसे रउआ लोग के का भर पड़ी जे अब हमनी से पब्लिक उगता गई बानी फिर आगामी दिन में के जान फिर मदेश के लोग मुख्यमंत्री बने सके कि ना बने सके फेन बनी काहे ना बनी लेकिन अच्छा लेकिन फिर भी रउआ जनता के खातिर कुछ करम तब न बने ना करम तो कहां से बन जाए जनता खातिर लड़ जाता जनता खातिर तो हमनी के दो नंबर प्रदेश सरकार बनल बा प्रदेश सरकार तो जनता खातिर लड़ रहा बा काशी का
एबरा देखल लहर उल कहत बनी लड़ रहा बाटे काठी काठी प्राप्त करेलक जनता लड़के सब नेताजी लोग देलक आगे आगे बढ़ेलक की जनता नेताजी लोग के और नेताजी लोग का कैलक जनता खातिर लड़के आज तक जनता खातिर तो बहुत कुछ हो गए अपने देखी ना दुई नंबर प्रदेश में बहुत देखी दोसर देखिए पहले दोसर विकास विकास ही सब कुछ ना है सर विकास ही सब कुछ ना है बहुत कुछ बाटे मधेश में जो बिसरल बाटे उस चीज के भी संपन्न बनावल बहुत ही जरूरी होला मधेश के अधिकार भी आठे जिला में सीमित रह गए एक प्रति भी रुवल उन कुछ कही नहीं आठ जिला में अभी लड़ाई हो रहा देखिए अभी आठ जिला में ना ये हमने के 22 जिला में अधिकार सुनिश्चित हो अभी लड़ाई जारी रहा बाब जारी हो अभी लड़ाई चल रहा बाब जब तक हमने के मांग संबोधन ना हो जब तक मधेश जनता के मांग संबोधन आई जब तक हमने के पैसा ना सकम सर हमने के अधिकार लेके छोड़म सर जिससे भी जी और आशा बाटे जनता के रूरल लोगिन पर अब तो जनता सीधे कहत बानी जे लोग हमने के साथे बहुत धोखा कैलक लोग आके लेकिन कुछ मधेश आंदोलन से उपलब्धि जनता लोग के मिलल बाटे हम भी बतावे के चाहे जे मधेश के जब नेता लोग जितनी लोग तो कुछ उपलब्धि मिलल बाटे लेकिन कबो कबो मधेश के नेता लोग भटक भी जात बाने और बहुत लोग सिस्टम में भी होके पावर में होके भी कहत बानी लोग हमने के बात फालना नहीं मानत चिलना नहीं मानत एगो बड़ा दुख के बात ये बाटे जे पावर में भइला के बाद भी फलना बात हम नहीं मानत जब हम पावर में बानी हमार बात कोई नहीं मानत हम छोड़ ना देम पावर उसे बढ़िया तो घरे चल हम पूरा पब्लिक के साथ में तो एक प्रति भी मन में बात हुई ना हाँ हम छोड़ेम सन कि ना छोड़ेम सन पब्लिक के साथ देहम सन कि ना देहम सन कह के हमने तो पूरा सपोर्ट पब्लिक के तो पूरे सपोर्ट हमने के सपोर्ट कर यति बा हमने के पूरे हमने के दुन नंबर सरकार भी जनता के एकदम घर दैले में जे भी कुछ स्थिति पड़ता घर दैले में हमने के दौड़ रहा बा कोनो ऐसा चीज में प्रदेश नंबर 2 के सरकार इतना सहयोग कर रहा बाटे पूरा पब्लिक के जी पब्लिक के पूरा सहयोग बा और अभी तक बताई डेउरा जितना लोग शहीद भइल बानी जितना घर के लोग के बेटा मरैनी कोई के पति मरैनी कोई के कुछ मरैनी कोई के कुछ मरैनी तो प्रदेश सरकार उ लोग के खातिर का कैले बाटे अभी तक बीतल समय में सर बतावल है रुआ लोग सीधे कहले तनी लगन जे इतना लाख रुपया देम सन हई नौकरी दे देम सन कह के तो कितना काथी काथी पूरा भइल सर नौकरी तो मिलले बा कितना आदमी के लोगन मिल रहल बा ओई को परदेसी बाटे ओ लोगन साली बनावल बेल बेल ओकरा बाद खातिर शहीद लोग के भविष्य भी वितरण भेल ओकरा बाद भी जागीर दियाती बा ओ लोग खातिर और जौन दू नंबर प्रदेश और कौन कौन योजना निकाली हरेक चीज में वो लोग दियाते बा हर चीज में वहाँ लोग संपन्न पूरा पब्लिक के संपन्न लोग बनावे के खातिर अधिकतम प्रयास में बानी समाजवादी पार्टी पूरा जी सर जी जहाँ तक बात कले सर विभिन्न जगह से उठत बाटे एगो आवाज जो चुनाव बहिष्कार कर जाओ कह के बहुत जगह से उठ रहा बाटे रुआ सुनत बानी लेकिन चुनाव बहिष्कार हुई तो उसे घाटा का हुई रुआ बता सकत बानी चुनाव बहिष्कार तो हो गई ना सकी चुनाव कहाँ बहिष्कार हो गया जब जनता के मत जनता के अधिकार जनता के सुनिश्चित करे खातिर एउटा बा कि वोट में शामिल हो गए करीब जनता के कम से कम अधिकार सुनिश्चित करे खातिर मेन तो चुनाव ही न लेकिन रौरा लोग इन जनता के खातिर लड़े और सदियों से लड़ल बानी और आगामी दिन में रउआ लोग दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करते बानी लड़बे करम लड़ते रहम लगन लेकिन जनता रउरा लोग इनके साथ देत रहो कह के रउआ राउर एगो कथन बाटे जे चुनाव बहिष्कार ना रउरा लोग इन साथ में रहम तो हमने हर चीज प्राप्त ही कर सकत बानी सन राउर एगो कथन बाटे तो जसपा पार्टी जौन एगो बाटे रउरा लोग इनके जसपा पार्टी जनता के खातिर अभी तक जौन भी काम कैलक सराहनीय कैलक अच्छा बा लेकिन आगामी दिन में भी और अच्छा करो जसपा पार्टी ये रिक्वेस्ट बाटे रुरा से आगामी दिन में कहाँ तक प्रयास बाटे जनता के आगे बढ़ाएम लगन कि किंग आगामी दिन में कैसन प्लानिंग एगो रुरा पार्टी के बाटे प्लानिंग तो अब ये अगाड़ी तो जनता खाती तो हमने अगाड़ी लड़ रहा ये अब ये नेपाल में पहले अब वैकल्पिक पार्टी अब जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक पार्टी पुराना पार्टी जैसे ये मतलब कांग्रेस ये लोग दो आदमी ये दूगो पार्टी चाहे बहुत नेपाल में राज कैले बा जनता के बहुत दुख भी दे सक दे अभी तक कांग्रेस देखी कांग्रेस भी जब चुनाव आई तो पहले मधेश के
मधेस के मुद्दा हम जब तक कांग्रेस करी ए बरा जब चुनाव आई तो कांग्रेस कही कि हम जनता के मधेस के मांग संबोधन कराएं एगो कांग्रेस ही बा जब सरकार से बाहर निकली सरकार में ना चाहिए तो मधेस के जनता उठाई या जब सरकार में चल जाए तो मधेस के जनता मधेस के चाहिए अधिकार कोनो कोनो ऐसा बात नहीं ना बोली हुआ कांग्रेस लोग अभी बरा बाहर बार लोग तो पहले हमने के मुद्दा करम से कांग्रेस का ऐसी के मधेस के मांग पूरा करें एबरा नारा निकल के एबरा अगाड़ी बढ़ रहा लोग इससे पहले कहाँ रहा लोग इतना सरकार बने लोग कहाँ गए लोग ये एबरा मधेस के मांग संबोधन ना कर सकल लोग मधेश के नेता लोग क्या करते बने तो मधेश को लोग करी अब भैनी नु मधेश के लोग अब आगे नहीं नु मधेश के लोग अब मधेश के लोग के अब मधेश मधेशी पार्टी के अब मुख्यमंत्री तक ले बनल आगामी दिन में और भी मधेशिया पार्टी के अब मधेश के लोग सपोर्ट करें तो मधेश के लोग अब मधेश के नेता लोग मधेश के जनता लोग के सहयोग करो सहयोग तो अब कर रहा बा पार्टी तो करते लेकिन बार बार एगो धमकी बार बार एगो धमकी आवेला ऊपर से जे हमनी के पड़ोस देश भारत के बेटी रोटी के जौन संबंध बाटे एकरा में दरार पारे के खातिर एगो विभिन्न जरिया केंद्र लेवल से आवेला जे एक कैसे बेटी रोटी के संबंध भारत से तुर देवला कह के लेकिन देखिए अभी भल बीच में आवाज उठ रहा उन्हें के नागरिक आदुनाए उन्हें के लड़की शादी कह के तो उनका 6 साल के बाद नगरता बनी न तो हो सके तो कहीं देश लूट के लेके चल जाए भी बात उठल बीच में उठल एक प्रति और पार्टी कहाँ तक केंद्रित भाई अगर केंद्र अगर एकर अगर घोषणा कर देते बाटे जो हाँ 6 साल के बाद ही नगरता बनी कह के तो क्या रुग मान जाए ना ना मान सुन हमनी के छह बरस के बाद का है मान जब हमनी के शादी कह के लिया हो तो नेपाल के नागरिक हो हमनी के शादी कैले के बाद तो इंडिया के नागरिक ना भैल तो नेपाल के नागरिक बढ़े के सर बतावल है जे मधेश में रहल विभिन्न युवा या युवती लोग या पड़ोस देश भारत में रहल युवा या युवती लोग मान मर्यादा और इज्जत प्रतिष्ठा से जिए वाला लोग हैं लोग काहे कि मधेश में रहल विभिन्न माई बहन और बेटी लोग के मुड़ी पर से आचर अपना जेट गार्जियन के लग से ना गिरेला और एगो हमने घूंघट यानी कि घूंघट भी तनाई रहला हमने के बिहार में हुए पोजीशन हमने के यूपी में हुए पोजीशन जहाँ तक बात कर लिया सर हमने के गो हमने के समाज में यो बाटे जो हमने के समाज में डिवोर्स वाला सिस्टम ना चल रहा जाजू फलना से भी आ गई तलाक कर ली या फिर भी दूसरा से शादी कर ली कह के हमने के मधेश के बात करते बनी सर और साथ में यूपी बिहार के बात करते बनी लेकिन बहुत कम ही देखे के मिल रहा है बहुत कम अब सारा धान रोपल तो सारा धान घर ही ना आवला एगो दूगो में दूसरों कुछ हो जाला लेकिन वही बात हम रुआ के बतैनी है जब हमनी के समाज इतना बढ़िया से जियत बाटे यूपी बिहार पड़ोस देश भारत के बात कहनी है और साथ में अपन मधेश नेपाल में रहल मधेश के बात कहनी है तो मधेश के लोग इतना सभ्यता के साथ बाटे और साथ में पड़ोस देश तो हमनी के चेहरा तो उन्हीं से मिलत बाटे सर तो हमनी एक दूसरा के हमनी के बहन ओ पार उ लोग के बहन ए पार हमनी के मने परिवार ओ पार उ लोग के परिवार ए पार के ना ऐसा पोजीशन बाटे हमनी के एगो बेटी रोटी के संबंध बहुत बढ़िया जुड़ल बाटे अगर ये बरा बताई जे मान ली हमरा हम अपन बेटी के शादी मने पड़ोस देश भारत में कैले बानी तो हमरा बेटी के साथे अगर कोई अन्याय अत्याचार बात करम तो रउरा से बर्दाश्त होई चाहे हमरा से बर्दाश्त होई यही में कोई चाहत व दरार पार देवे के तो केकरा से बर्दाश्त हो जाए तो बर्दाश्त ना होई ऐसे की अब मेन कहा कि अब इन कम्युनिस्ट सरकार बा कम्युनिस्ट सरकार चाहत है कि चीन या ये लोग के इंडिया से चाहे संबंध बिगाड़े तो तुरे वाला लौटते नहीं के सर ये टूटबे ना करे सर ये क्या बात बाटे ठीक बा केहू कुछ बोलो उसे मतलब नहीं खे लेकिन यहाँ के जनता मनबे ना करे काहे कि जवना बेटी के जन्म से लेके 20 बरस तक पोस के जैसे यान कैले बनी और 20 बरस के बाद एक दूसरा के साथ शादी कैले बनी इंडिया में और वो इंडिया के लोग नेपाल में कैले बाटे तो इतना दिन के प्यार को ही तुर ना सकत बाटे और ये प्यार टूटे के खातिर हो सके तो बहुत दिक्कत हो सकत बाटे आगामी दिन में टूटबे ना करी वो संबंध हमने के रोटी बेटी के संबंध कहियो भी ना टूटी लेकिन तुरे खातर अधिकतम प्रयास हो रहा बाटे सर तुरे खातर प्रयास हो रहा बाटे एक प्रति जसपा पार्टी के ध्यान केंद्रित होके के पड़ल जे बिहार के दिन में अगर बेटी रोटी के संबंध टूटत बाटे तो एकर जिम्मेवार जसपा पार्टी के होके के पड़ल काहे से यहाँ प्रदेश नंबर 2 के मधेश के लोग
मधेसी के जीतेले बानी और जब मधेस के लोग मधेसिया के जीतेले बानी या अपना मधेस के लोग आरोप ना लगा सकत बानी जे रउवा लोग इन फलना पार्टी के काहे जिता देनी तब रउवा लोग इन फलने पार्टी से सल्टी कह के ना मधेस के लोग मधेसे के लोग के जितावत बानी या जीतेले बानी तब मधेस के लोग मधेसे के लोग से पूछे अब बाहर के लोग से पूछे ना जाए जहाँ बाहर के लोग आई हमारा का सहयोग करी कह के कौनो हालत में इस संबंध हमनी के रोटी पेटी संबंध ना टूटी ना टूटी वाला बा कितनो लोग प्रयास करी कम्युनिस्ट लोग कुछ होके वाला नहीं छे हमनी के रोटी संबंध आज से ना हमनी के दादा लोग से पहले से दादा लोग बरदादा लोग से संबंध आयल बा एबर हमनी तक ले पुगल बा कहियो संबंध रोटी बेटी संबंध कहियो ना टूटी वाला टूटे के तार भी कभी भी ना टूटे वाला बा नहीं छे ना कहियो टूटी जी। और यहाँ तक रूरा विश्वास रख रहे बने जो हमने के बेटी रोटी के संबंध ना टूटी और रूरा पार्टी के विभिन्न नेता लोग से भी हम पूछने तो विभिन्न नेता लोग भी रूरा पार्टी की कहानी लोग जो वास्तव में हमने के बेटी रोटी के संबंध को वो टूटे ही ना सकत बाटे कह के चाहे कितनों दुनिया के कोनो शक्ति लग जाओ कह के हमने के बेटी रोटी के संबंध ना टूट सकत बाटे कहा से बीतल समय से हम अपन घर फलना ठाइन बा तो घर के फलने ठाइन हम कहें के चिलना ठाइन करे में बड़ा दिक्कत हो जाला तो ए पर ध्यान केंद्रित करत केहू कितनो प्रयास करे जे हाँ ये लोग में टूट पड़ जाओ कह के ऐसा बात नहीं है ना सर टूट जाए कह के जनता के साथ रहे ज्ञान पहला जी जनता के साथ रहे ना रउवा लोग जनता के साथ तो हमनी के जबी भी बानी हमनी के पार्टी जसपा जबी भी अगाड़ी बा जसपा जनता के साथ बाटे जी जनता के साथ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे और साथ में सर एक बात और वालों से जाने के चाहे हमने के जौन समाज में एगो भोजपुरी गीत बाटे और ये भोजपुरी गीत तनका अश्लीलता दिन प्रतिदिन फैलत बाटे एक प्रति भी रूरल लोग इनके निगरानी होखो जी। अब ये गीत देखिए गीत का बाकी पहले सरकार वहाँ पहले रोका करे ऐसे की गीत कैसन सामाजिक गीत लिया गीत ऐसा बाकी समाज में बैठ के गीत सुनने वाला नहीं थे हमने भोजपुरी गीत बहुत सुने ऐसा ऐसा गीत गैले बड़ लोग हमने के सामाजिक गीत सुने के तई गावे के तई वही अनुसार के अब ऐसा ऐसा बिहार के लोग गायक लोग बा कभी भी नेपाल के गाड़ी देता नेपाल के गायक लोग इंडिया के गाड़ी देता गायक लोग के इस संबंध ना होके तई अच्छा घर परिवार खानी अच्छा गीत निकाली की लोग के अच्छा लागे समाज में कि हाँ ये गीत हाँ अच्छा पहले कितना अच्छा अच्छा गीत आवे अब तो पूरा गीत तई सुना ना खराब ज्यादा निकल गई बाकी गीत सुनने वाला लायक नहीं है बिहार के लोग आ नेपाल के लोग रहल बात कथी जे रहल मधेस के लोग जे भोजपुरिया माटी से बा तो ई लोग ओने के आ लोग एने के दोनों ओर से माने गारा करोल वास्तव में होता लेकिन ये जे गाड़ी देत बाटे तो ई लोग सोचत नहीं के जे हमनी गाड़ी दे के और संबंध बिगाड़त बानी सर बिगाड़ रहल मन सर आगामी दिन में कितनो बाटे सर कुछ बाटे तो अपन घर अपने घर समय पर जला तो पटदार चारों ओर से एक हो जाला जी। और समय ना पर रही तो भटकल बताओ भटकल भटकल तो सावधान हम अपन पूरा बिहार वासी से कहें पड़ोस देश वाला लोग से और साथ में हम सावधान नेपालों के मदेश में मदेश के लोग से कहे चाहे जे रउआ लोग इन दोनों आदमी सावधान हो जाए लगन न तो पलरा केने से कब भारी पड़ जाये तो ध्यान भैया वे हो जे बिहार के लोग एने के कहे या मदेश के लोग होने के कहे तो रउरा लोग इन अपने में लड़े तो बाहर के लोग देखे खूब हंसी जो खूब कर बटे लोग के तो ए पर भोजपुरी कलाकार लोग के भी ध्यान केंद्रित होके के पड़ल दूसरा की अंगड़ी उठावे से पहले रउरा लोग इन खुद सतर्क हो जाये और सर बहुत बहुत धन्यवाद बा जे समय पर ध्यान देते रउरा कार्यक्रम में उपस्थित बनी और अपने के मन में जौन भी बात हुई अपन पूरा पब्लिक के समक्ष में रख सकत बानी अगर हमरा पूछे में अगर बात तो भोर पर आयल हो या भटकल होके तो मन में उड़ा जौन भी बात हो अगर प्रश्न कोनो छूटल होके तो प्रश्न के जवाब रुआ दे सकत बानी अभी संदेश देवे के टाइम की केहू घर से बाहर ना निकलो घर में रहो सुरक्षित रहो अपना खातिर बाहर कुछ दिन ना घूमे लगे कि घर में अब लैका लोग बा कि बाहर घूम रहा बा कि कम से कम बाबूजी माई भैया भाई भाभी लोग घर में बैठी लगी आराम से अपने लगी सुरक्षित रह के रही हरदम साबुन से हाथ धोई लगी बाहर ना निकली यही हमारा अपील भाई यहाँ से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जनता के सवाल कार्यक्रम जनता के सवाल में उपस्थित बनी और कार्यक्रम के सफल बनी एक खातर अपने से छुटे चाहे नमस्कार नमस्कार आदरणीय श्रोता जसपा के सह इंचार्ज अजय निराला जीरनी हमनी के साथ में चितवन जिला से वहाँ के सह इंचार्ज बनी जसपा के सब से पहले वहाँ के हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें जो कार्यक्रम में उपस्थित बनी और पूरा जनता के साथ में जौन भी वहाँ के मन में एगो बात रहा पूरा जनता के साथ बतैनी और बोलनी कार्यक्रम रुआ लोग सुन के साथ देनी एक खातर रुआ लोग इनके तहे दिल से धन्यवाद देते और साथ में टेक सपोर्ट करके साथ देनी
अनूप यादव जी, वहाँ के भी तहे दिल से धन्यवाद देते कार्यक्रम जनता के सवाल से हम विदा लें। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सानवी 96.4 विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेवी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हेवी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेभर फिनिसर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईँकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक